अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले जहां राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज है, वहीं इस बीच एक बार फिर विपक्षी पार्टी सपा के नेता की तरफ से एक और विवादित बयान सामने आया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान देते हुए एक बार फिर सपा की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य कासगंज जनपद के गुंज डुडवारा में बौद्ध एकता समिति द्वारा आयोजित बौद्ध जन जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने 1990 में कार सेवकों पर हुए गोली कांड का जिक्र करते हुए एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कार सेवकों को अराजक तत्व बताया और यह भी बताया कि तत्कालीन सपा सरकार ने कार सेवकों पर क्यों गोली चलवाई थी। अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। बता दें कि 33 साल पहले 1990 में अयोध्या के हनुमानगढ़ ही जा रहे कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। तब यूपी में सपा की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। हिंदू साधु संत अयोध्या कूच कर रहे थे। उन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी। प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था, इसके चलते श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, जिसके लिए पुलिस ने बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग भी कर रखी थी। लेकिन कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो रही थी, जिसके बाद कार सेवकों पर चली गोलियों में 5 लोगों की मौत हुई थी और अयोध्या से लेकर देश का माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया था। साल 1990 की घटना के 23 साल बाद जुलाई 2013 में मुलायम सिंह यादव ने एक बयान में कहा था कि उन्हें गोली चलवाने का अफसोस है, लेकिन उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि उस समय मेरे सामने मंदिर, मस्जिद और देश की एकता का सवाल था। बीजेपी वालों ने अयोध्या में 11 लाख की भीड़ कार सेवा के नाम पर लाकर खड़ी कर दी थी। देश की एकता के लिए मुझे गोली चलवानी पड़ी थी, हालांकि मुझे इसका अफसोस है, लेकिन और कोई विकल्प नहीं था। फिलहाल एक तरफ सामने लोकसभा चुनाव है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर विपक्ष की बयानबाजी, जो कि शायद ही बंद हो। ऐसे में विपक्ष को अपने हर बयान को सोच समझ कर देना चाहिए, जो कि फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष लगातार भाजपा पर निशाना साधने के लिए राम मंदिर का सहारा ले रहा है, जो उनके लिए ही मुसीबत बन के खड़ा होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।